हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक योर ऑन चैनल डॉक्टर एग्री बिजनेस। कैसे हैं आप सब लोग? आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपनी चैनल डॉक्टर एग्री बिजनेस में। और आज इस इम्पोर्टेंट वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक की, जो आपके इंटर्न के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है ही, साथ में JRF और अदर कम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। टॉपिक है सिंगल विंडो सिस्टम। सिंगल विंडो सिस्टम क्या होता है, इसका इतिहास क्या है, इसका स्ट्रक्चर कैसा है और इससे जुड़े कौन से महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, ये सब इस इम्पोर्टेंट वीडियो में हम आज बात करेंगे। चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो सिंगल विंडो सिस्टम बेसिकली एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पे एक सिंगल विंडो के तहत जो फार्मर्स है, जो किसान है, जो प्रोड्यूसर्स हैं, उनकी ज़रूरतों को पूरा किया जाए। तो बेसिकली सिंगल विंडो सिस्टम जो है आंध्र प्रदेश से स्टार्ट हुआ था 1987 में, और इसके स्टार्ट होने के पीछे भी एक कहानी थी, किसी ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि सिंगल विंडो स्टार्ट होने से पहले किसानों को किसी भी प्रकार के क्रेडिट की ज़रूरत हो, चाहे वो मीडियम टर्म, शॉर्ट टर्म हो या लॉन्ग टर्म लोन हो, या फिर उसको जो मार्केटिंग सर्विसेज से रिलेटेड जो उसके प्रॉब्लम्स हो, उन सब के लिए जो है उनको अलग अलग इंस्टीट्यूशन से डील करना पड़ता था, अलग अलग इंस्टीट्यूशन से उनको अपनी ज़रूरतों को पूरा करना पड़ रहा था। तो इन 1987 द फार्मर्स डिपेंडेंट ऑन द प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज, दैट इज पैक्स, फंक्शनिंग अंडर थ्री टायर स्ट्रक्चर ऑफ शॉर्ट टर्म एंड मीडियम टर्म क्रेडिट रिक्वायरमेंट्स एंड ऑन प्राइमरी लैंड डेवलपमेंट बैंक्स PLDBC, फंक्शनिंग अंडर टू टायर स्ट्रक्चर ऑफ लॉन्ग टर्म क्रेडिट नीड्स। मतलब अगर आपको शॉर्ट टर्म या मीडियम टर्म का लोन लेना हो तो आपको पैक्स के थ्रू जाना पड़ रहा था, और अगर लैंड डेवलपमेंट के लिए या लॉन्ग टर्म लोन लेना हो तो उसके लिए PLDBs के पास जाना पड़ रहा था बिफोर 1987। उससे पहले दो अलग अलग इंस्टीट्यूट पे आपको डिपेंड होना पड़ रहा था। तो इसका मतलब क्या, इट मीन्स दैट फार्मर्स हैव टू ऑब्टेन देयर टोटल क्रेडिट नीड्स फ्रॉम टू डिफरेंट कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशंस। मतलब किसानों को अगर अपनी क्रेडिट नीड्स को पूरा करना हो तो दो अलग अलग कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशन के पास जाना पड़ रहा था। इसके अलावा जो PLDBs हैं उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी नहीं थी, और मार्केटिंग ऑफ फार्म प्रोड्यूस उसमें भी किसानों को बहुत ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। ठीक है, तो ये सारा एक बैकग्राउंड का काम किया जिसकी वजह से सिंगल विंडो सिस्टम की जरूरत पड़ी। तो गवर्नमेंट इन सबको ध्यान में रखा और उन्होंने जो है गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश ने एक कमेटी बनाई, और कमेटी का चेयरमैन बनाया मोहन कांदाजी, जो कि एक IAS ऑफिसर थे। उन्होंने इनकी लीडरशिप में एक कमेटी बनाई और कमेटी को बोला कि भाई आप कुछ ऐसा सॉल्यूशन लेके आइए जो प्रैक्टिकेबल हो, ठीक है, इन कॉपरेटिव स्ट्रक्चर ऑफ द इंस्टीट्यूशंस। तो कमेटी ने अपना रिपोर्ट 1985 में सबमिट किया और उन्होंने रिकमेंड किया कि भाई आप करिए, ऐसा करिए, एक सिंगल विंडो सिस्टम लेके आइए, और सिंगल विंडो सिस्टम के थ्रू जो है ये सारे निपटारे, सारी क्रेडिट नीड्स, सारी मार्केटिंग प्रॉब्लम जो है उसके थ्रू सॉर्ट आउट करिए। और उसके रिकमेंडेशन को गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश ने माना और एक बिल लाया 1987 में, ठीक है, और उसको असेंबली पास कराया और सिंगल विंडो सिस्टम को स्टार्ट किया। तो जो बेसिक जो आइडिया था, जो मेन इंटेंशन था गवर्नमेंट का बिहाइंड सिंगल विंडो सिस्टम, वो यही था कि टू सप्लाई ऑल टाइप्स ऑफ क्रेडिट नीड्स ऑफ द फार्मर्स थ्रू पैक्स एंड प्रोवाइड एडिक्वेट मार्केटिंग फैसिलिटीज टू फार्म प्रोड्यूस थ्रू डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटीज। उन्होंने इसके पीछे जो आइडिया था वो यही था कि भाई सारे प्रकार का जो क्रेडिट है, ऑल टाइप्स ऑफ क्रेडिट नीड्स मस्ट बी मेट बाय द पैक्स एंड ऑल मार्केटिंग फैसिलिटीज मस्ट बी मेट बाय द डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटीज। ठीक है, तो विद द इंट्रोडक्शन ऑफ सिंगल विंडो सिस्टम, जब ये सिंगल विंडो सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ तो वहाँ पे जो नंबर ऑफ पैक्स था वो रिड्यूस हो गया। जो प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज थी वो 6,000 से लगभग 4,000 के आसपास आ गई। जो प्राइमरी लैंड डेवलपमेंट बैंक्स थे वो डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव क्रेडिट बैंक्स के साथ मर्ज हो गए, ठीक है, और प्राइमरी कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी वर अमलगेटेड विद DCMS, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटीज में वो तब्दील हो गई, बदल गई। तो इस तरह से जो नंबर ऑफ इंस्टीट्यूशन थे वो कम हुए, लेकिन एफिशिएंसी बढ़ गई, लोगों की क्रेडिट नीड्स को फुलफिल करने का जो मैकेनिज्म था वो एफिशिएंट हो गया, और ये एक तरह से पॉजिटिव अप्रोच रहा किसानों के लिए, गवर्नमेंट के लिए, दोनों के लिए।
तो अभी जो सिंगल विंडो सिस्टम है उसमें क्रेडिट कोऑपरेटिव क्रेडिट्स है या इसका सिंगल विंडो सिस्टम का जो स्ट्रक्चर वो कैसा है, किस तरह से उसमें जो है वो काम करता है, चलिए इसको देख लेते हैं। तो सिंगल विंडो सिस्टम भी जो है बेसिकली वो भी जो है आपका थ्री टायर और टू टायर स्ट्रक्चर ही होता है उनका। तो जब भी क्रेडिट नीड्स की बात करेंगे, क्रेडिट रिक्वायरमेंट की बात करेंगे फार्मर की, तो थ्री टायर स्ट्रक्चर होगा जिसमें ऑल टाइप्स ऑफ क्रेडिट नीड्स यानी कि स्मॉल हो, मीडियम हो या लॉन्ग टर्म क्रेडिट नीड्स हो फार्मर्स की, उसको फुलफिल किया जाएगा क्रेडिट थ्री टायर स्ट्रक्चर के थ्रू। तो थ्री टायर स्ट्रक्चर में क्या क्या था, एक तो अपेक्स लेवल का बैंक हो जाएगा जिसको आप आंध्र प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक और एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट कहा गया है, जो स्टेट लेवल पे, क्योंकि ये जो सिंगल विंडो सिस्टम स्टार्ट हुआ था वो आंध्र प्रदेश में हुआ था, तो आंध्र प्रदेश में इसका स्ट्रक्चर एक तो स्टेट लेवल पे था, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कोऑपरेटिव बैंक्स होते थे, और फिर जो है ग्राउंड लेवल पे या ग्रास रूट लेवल पे जो है वो पैक्स होता था। और दूजो मार्केटिंग की जो जो प्रॉब्लम्स उसको सॉर्ट आउट करने के लिए यहाँ पे टू टायर स्ट्रक्चर होता था, एक तो होता था मार्केटिंग फेडरेशन जो कि स्टेट लेवल पे काम करता है, और एक होता है डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी डीसीएमएस जिसकी हम बात कर रहे थे। तो इस तरह का स्ट्रक्चर हो गया। अब इस स्ट्रक्चर में सिंगल विंडो सिस्टम का मतलब हुआ कि कोई भी फार्मर जो है उसको किसी भी प्रकार की नीड्स हो, चाहे वो स्मॉल नीड्स हो, चाहे वो कोऑपरेटिव क्रेडिट्स की नीड्स हो, चाहे वो शॉर्ट टर्म क्रेडिट्स हो, लॉन्ग टर्म क्रेडिट्स हो, चाहे वो मार्केटिंग रिलेटेड कोई इश्यू हो, उसको सिंपल सा जाना है पैक्स के थ्रू। या आपको पैक्स के थ्रू जाके अप्रोच किया और पैक्स के थ्रू ही उसका सारा काम होना है, उसको अलग से डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी के पास जाना नहीं है मार्केटिंग प्रॉब्लम्स के लिए, सिंगल शॉर्ट टर्म लोन्स के लिए उसको किसी और पास नहीं जाना है, सारी नीड्स का फुलफिलमेंट जो है वो पैक्स के थ्रू ही होगा। तो किसान का जो एक सिंगल पॉइंट हो गया वो है सिंगल विंडो सिस्टम एट द पैक्स। अब उसके वो पैक्स ही उसको अरेंज करवाएगा किसी भी तरह का क्रेडिट और किसी भी तरह की मार्केटिंग फैसिलिटी। तो स्ट्रक्चर में जब हम बात करते हैं तो सिंगल विंडो सिस्टम की जैसे हमने बात किया कि यहाँ पे मेजर फंक्शन वो पैक्स क्या है, ठीक है, तो जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया कि चाहे किसी प्रकार की नीड्स हो, चाहे उसको फार्म इनपुट चाहिए हो, चाहे उसको एसेंशियल कंज्यूमर कमोडिटीज चाहिए हो, राइस, वीट, सुगरकेन, केरोसिन, या फिर मार्केटिंग ऑफ फार्म प्रोड्यूस की उसको दिक्कत हो, सारी चीजें जो है पैक्स के थ्रू सॉर्ट आउट होता है। तो अब यहाँ पे जो है हम बेसिकली हमने जाना इस पर्टिकुलर वीडियो में कि सिंगल विंडो सिस्टम क्या होता है, एक ऐसा सिस्टम जहाँ पे किसान एक पॉइंट पे जाके अपनी सारी जरूरतों को पूरा करता है, चाहे वो क्रेडिट्स की हो, चाहे वो मार्केटिंग की हो, या चाहे वो किसी और प्रकार की चीजों की हो, लेकिन किसान एक जगह जाके उसका सोल्यूशन पाता है, इसलिए उसको हम बोलते हैं सिंगल विंडो सिस्टम। इस तरह की फैसिलिटीज आपको बैंक में देखने को मिलेगी जहाँ पर एक सिंगल विंडो एक पर्टिकुलर काम के लिए होती है, जहाँ पे हर तरह की चीजें वहाँ पे उसको मिल जाती है। अब यहाँ पे इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बनते हैं, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं वो इस प्रकार हो सकते हैं कि सिंगल विंडो सिस्टम कब स्टैब्लिश हुआ, कहाँ से शुरुआत हुई, और इसकी अध्यक्षता या जो इसकी कमेटी बनी थी उसकी अध्यक्षता किसने की थी, ये क्वेश्चन जनरली बनता है आता एग्जाम में। बाकी आपसे पूछा जा सकता है कि इसके ऑब्जेक्टिव क्या थे, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, पैक्स क्या होता है, ये सब चीज़ें पूछी जा सकती है। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों का शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले कॉन्टेंट के साथ, अगले टॉपिक के साथ, तब तक बने रहिए डॉक्टर एग्रीबिजनेस के साथ, और देखते रहिए डॉक्टर एग्रीबिजनेस को। नमस्कार।